राम भक्तों को जल्द मिलेगी एक और सौगात, अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर को जोड़ने के लिए बनेगा सुग्रीव पथ। राम मंदिर में मंगला और शयन आरती के लिए शुरू हुई ऑनलाइन पास की बुकिंग, 28 फरवरी तक की बुकिंग हुई फुल। 18 मई को खुलेंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, पारंपरिक पंचांग गणना के आधार पर तय की गई है तिथि। बाबा महाकाल के भक्तों को मिलेगा महाशिवरात्रि पर विशेष उपहार, महाशिवरात्रि पर 24 घंटे खुला रहेगा महाकाल मंदिर। राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की मंदिर तक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में एक और पथ के निर्माण का निर्णय किया है। सुग्रीव पथ नाम का ये रास्ता हनुमानगढ़ी मंदिर को राम जन्मभूमि मंदिर से सीधे जोड़ेगा। 290 मीटर लंबे इस मार्ग का उद्देश्य भक्तों को राम मंदिर तक पहुंचने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करना है। सुग्रीव पथ बनाने का निर्णय प्रतिदिन दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। इस पर लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राम मंदिर में रामलला की मंगला और शयन आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पास सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। इसके जरिए पासधारी परिवार 10 साल तक की आयु के बच्चे अपने साथ ले जा सकेंगे, यानी बच्चों के लिए पास की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन पास धारक को अपना आईडी प्रूफ साथ में रखना होगा। फिलहाल आरती पास की बुकिंग 28 फरवरी तक फुल हो गई है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक पहले चरण में मंगला और शयन आरती के लिए 20-20 पास ही जारी किए जा रहे हैं। आरती में शामिल होने के लिए आधा घंटा पहले मंदिर में प्रवेश करना होगा। चमोली स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। ये तिथि पारंपरिक पंचांग गणना के आधार पर तय हुई है। कपाट खुलने की प्रक्रियाओं के तहत भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह मूर्ति 14 मई को पूजा अर्चना के बाद गोपीनाथ मंदिर के गर्भगृह से मंदिर परिसर में लाई जाएगी और 16 मई को भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली रुद्रनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और इसके बाद 18 मई को विधि विधान से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की विशेष दर्शन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। दरअसल इस दिन महाकाल लोक में भक्त 24 घंटे बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इसकी तैयारियां मंदिर और जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। महाशिवरात्रि के उत्सव के मद्देनजर उज्जैन के आयुक्त ने एक विशेष बैठक बुलाकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बेंगलुरु के नागमर राली सूर्यकांत नाम के एक भक्त ने भगवान महाकाल को रजत आभूषण दान दिए हैं, जिनका वजन 3 किलो 756 ग्राम है। इनमें चांदी का मुकुट, नागधारी कुंडल, हार, कंगन, कमरबंद और अन्य कीमती आभूषण शामिल हैं। भेंटकर्ता ने कहा है कि वो भगवान महाकाल के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए ये दान कर रहे हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी ने बताया कि भक्त के दान किए गए आभूषणों को भगवान महाकाल को पहनाया जाएगा। राजस्थान के अलवर के नाहर शक्ति धाम से लेकर पांडुपोल हनुमान मंदिर तक रोपवे बनाने की तैयारियां चल रही हैं। राज्य में पांडुपोल हनुमान मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां देश भर से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। रोपवे के नीचे पक्की सड़क बनाने की भी तैयारी है, ताकि श्रद्धालु एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक आसानी से पहुंच सके। दरअसल दोनों मंदिर के बीच 9 किलोमीटर की दूरी है। दोनों मंदिर सरिस्का के क्षेत्र में हैं। रोपवे बनने से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का राजस्व भी 1.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है।